और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। और आपको बता दें कि एक बदमाश की गोली लगने से मौत हो गई है। मुठभेड़ में चार थाने की पुलिस मौजूद रही, कॉम्बिंग की गई, दो बदमाश थे जिनमें से एक की मौत हो गई गोली लगने से, दूसरा फरार है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं जहां मुठभेड़ के दौरान, हाँ हालांकि आपको बता रहे हैं कि दो पुलिस के जवानों को भी गोली लगी है और दो पुलिस के जवान घायल हैं। और ये आपको तस्वीर बदमाश की दिखा रहे हैं, दो पुलिस के जवान भी गोली लगने से घायल हुए हैं। ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। कनपटी में गोली लगने से बदमाश की मौत हुई है। आपको बता दें कि दो राज्यों की पुलिस ने इस बदमाश के ऊपर इनाम रखा था, यूपी की पुलिस ने 50,000 और उत्तराखंड की पुलिस ने 15,000, कुल मिलाकर 65,000 का इनामी बदमाश था जिसको कान के पास गोली लगी मुठभेड़ के दौरान और इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और चेकिंग चल रही थी, इस दौरान ये बदमाश अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा और पुलिस ने जब रोका तो फायरिंग कर दी पुलिस में, और पुलिस के ऊपर फायरिंग के दौरान दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए।